ठंडे से भी बचा जाएगा यार, आजकल ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई सुबह सुबह तो पाला पड़ जा रहा है, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे ये भाई। फिर तो कोई नहीं है, शर्ट लगा ले फिर आई मेरे को। यार मैं कसम से मम्मी कैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते पहले, जो पनीर और ये हमने पहले फ्राई कर रखा था ना। अब आई के तो देखेंगे भाई। हाँ नींद आएगी अब मेरे को तो नहीं आने वाली। एक तो आवाज इधर से इधर इसी तरह से आ रही है, बारी लगानी। चल टेंट में वापस चलते भाई, सेफ्टी यही है और कहीं नहीं है, खुल जाए फटाफट से। देख लो भाई लोकेशन यहाँ पे सही है ना, टेंट वगैरह यहीं पे लगाते हैं यहाँ पे। तो भाई आज फिर हम आ चुके हैं ग्रुप कैंपिंग के लिए। आज भी वही होगा, अपना खाना पीना गिटार बजाना। बाकी उससे पहले क्या है कि लोकेशन जहाँ पे आज हम आए हैं ना वो थोड़ा खुली एरिया है, जो पहले वाली थी राहुल भाई वो जो एरिया जहाँ पे हमने वो बहुत डेंस था भाई, वहाँ पे झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी ना, तो उसी वजह से थोड़ा सा हम वहाँ पे मतलब हो गया था, थोड़ा सा डर का माहौल हो गया था। और वो प्लेस भी भाई हॉन्टेड था, हमको जब हमने बाद में पता चला जब हम वहाँ से कैंपिंग करके सुबह निकले ना, तो गाँव वालों ने बताया भाई जहाँ से आप अभी आए हो वहाँ तो हम लोग जाते ही नहीं है। तो खैर हॉन्टेड है, बाकी क्या ही बताएं। खैर वो हम अब नहीं कर सकते क्योंकि आज हम फिर से एक नई वीडियो में आए हैं। तो गाइस सभी लोगों का वेलकम है नई वीडियो में, और ये ग्रुप कैंपिंग होने जा रही है। बाकी हिमांशु भाई गाना गाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे भाई। तो लोकेशन अपनी ये है भाई, लोकेशन आपने देख ली, और बाकी आज हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान सारा उसी में ही है। तो पहले गाइज टेंट पिच करते हैं। तो रिंग में ही लगाना। ओके तो फाइनली अपना टेंट यहाँ पे पिच हो गया है, और अब बारी है लकड़ियाँ लाने की। क्योंकि क्या है ना भाई, अभी इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है और अब तो दिन भी बड़े होने लग गए हैं। तो मैं और हिमांशु भाई जाते हैं लकड़ियाँ लेने, और राहुल भाई यहाँ पे तब तक इंतज़ाम देखेंगे कि भाई जो भी अपना राशन वगैरह है प्रॉपर जितना भी बैग में है उन्होंने वैसे कुछ निकाल दिया है, और जो भी उसमें एडजस्ट करना रहेगा ना वो राहुल भाई करेंगे। ठीक है राहुल भाई, सामान चूल्हे का देख लेंगे।
चूल्हा तो हाँ चूल्हे का देख लेंगे, वैसे चूल्हे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है ना इन्हें में अपना कैंप फायर करेंगे। हाँ। बाकी अपने पास ब्यूटेन गैस ब्यूटेन और वो तो है ही, सिलेंडर है ही, मतलब सॉरी चूल्हा और ब्यूटेन गैस तो है ही। तो चलें भाई, हिमांशु भाई चलो, लो ज़्यादा दूर मत जाना, बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में जाएंगे। चलो भाई तब तक तुम राहुल भाई यहाँ पे देख लेना ठीक है। तो उनके आने तक तब तक हम अपना चूल्हा वाला खोल लेते हैं, जो सामान है बाकी, और कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए अपना जो टी है निकाल लेते हैं कंटेनर। अब लग रहा ना मस्त, ठंडे से भी बचा जाएगा यार, आजकल ठंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, सुबह सुबह तो पाला पड़ जा रहा है, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। ओके तो फाइनली यहाँ पे अपनी कैंप फायर भी हो गई है, और राहुल भाई ने यहाँ पे अपना जो चूल्हा है वो भी अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। तो फटाफट से पहले कॉफ़ी पीते हैं, बनाते हैं है ना। कॉफ़ी बनाते हैं भाई, ठंडा भी हो रहा है, है ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। आज हम बनाने वाले हैं फिश पकौड़ा, और लेकिन जो अपने हिमांशु भाई है ना भाई, वो नॉनवेज खाते ही नहीं है, तो हम सिर्फ ये स्नैक्स में यूज़ करेंगे मैं और राहुल भाई। बाकी रात को हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो भाई अपनी कॉफ़ी भी यहाँ पे बनने जा रही है, और राहुल भाई ने भाई क्या फेट फेट के मस्त कॉफ़ी बनाई है देखो। इसके बाद इसमें दूध बॉईल हो रहा है ना वो पड़ेगा। वाह यार राहुल भाई, हिमांशु भाई मज़ा आ रहा है भाई, देखने में इतना सही लग रहा, इन्हें में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। Wow. Just looking like a wow. जबरदस्त भाई। Ready to serve. तो भाई राहुल भाई ने यहाँ पे फाइनली कॉफ़ी बना दी है, और अब टेस्ट करते हैं, हिमांशु भाई बताएंगे। मैं तो खैर बहुत बार पी चुका हूँ, टेस्टी है ना, जबरदस्त। भाई इस ठंडे मौसम में क्या चाहिए, कैंप फायर और कॉफी, उसी गिरेगी जितनी गिरेगी बस। सुबह पड़ेगा पाला पाला, हाँ सुबह चादर हो जाती है भाई, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, मुझे लगता है जंगलों में नहीं पड़ता, लेकिन जो आसपास के गांव है ना वहाँ पे पाला पड़ता है। तो बहुत ही, एक तो सीन क्या है ना, हम जहाँ पे अभी जंगल के बीच में है, और हमारे 1 किलोमीटर इधर और आधे 1 किलोमीटर इधर गाँव है, तो होता क्या है कभी वहाँ से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरा आप लाइट देख रहे होंगे बहुत पीछे, तो वो गांव है, वो दूसरे पहाड़ पे है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे कि हम पास ही होंगे, पास ही होंगे। तो आप लोगों को जब हम लोग ड्रोन शॉट दिखाते हैं, या आप कभी दूर से शॉट देखते हो ना वीडियो में, तब आपको लगता होगा कि हाँ भाई भाग की आवाज़ आई, यही से पास से ही आई, अभी थोड़ा देर में आएगी देखना। सच में कसम से भाई, मैंने तो अभी आवाज़ नहीं सुनी हिमांशु, मैंने भी नहीं सुनी, तुम्हारा बोलने में था, वो अचानक से आवाज़ आई मैंने सुनी, भाई फिर से आएगी थोड़ी देर में देखना, अभी मन लगा ना, अभी मतलब फिर वरना आवाज़ नहीं आएगी, क्यों और लाइट देख के क्या पता फिर आवाज़ ना आए, लाइट देख के कम से कम दिखेगा तो सही, लेपर्ड होगा तो, अरे नहीं थोड़ा देर आवाज़ तो आने देता एक बार, लेपर्ड था गाड़ी का, लेपर्ड था लास्ट टाइम भी तो हमने सुबह नहीं सुनी थी, हाँ सेम वही आवाज थी।
लेकिन जब लेपर्ड घुर्राता है ना वो लगातार घुर्राता है। तभी मैं रुका फिर। तो एक बार थोड़ा आवाज़ करेगा वो, कम से कम 3-4 बार आवाज़ निकालता है वो। बट आवाज़ तो आई थी यार, वहम हो गया भाई थे। नहीं नहीं आवाज़ आई थी यार, सच में आई थी। एक तो मेरा कान बहुत तेज है भाई। देखो एक तो लेपर्ड टेरिटरी है और अभी हाँ, उत्तराखंड में तो भाई अपना जो अल्मोड़ा है ना वहाँ पे जागेश्वर है ना, वहाँ पे अभी जो बंगाल टाइगर होता है ना, वो धारीदार वाला जो टाइगर होता है, जो असली बाघ होता है, क्योंकि यहाँ पे तो उत्तराखंड में तो तेंदुए होते हैं, तो भाई यहाँ पे बाघ भी दिख रहे हैं लोगों को यार। अगर मेरे पास उसकी क्लिप होगी तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपसे। एक तो सेंचुरी भी पास ही है ना। हाँ, क्योंकि कॉर्बेट, हम कॉर्बेट के पास ही है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्बेट में भी बहुत ज़्यादा टाइगर है, तो हो सकता है भाई कॉर्बेट से आ गया हो। आवाज़ तो आई थी भाई। सीन क्या है, अब मैं भी, अब भाई जैसे लेपर्ड का तो डेली का होता है, कभी कभी हम रात को सोते हैं तो आवाज़ आती है, हम वो भी नहीं डालते, क्योंकि अब हम यही सोच रहे हैं भाई जब हमको लेपर्ड दिखेगा ना, जिस दिन दिख गया भाई उसी दिन क्लिप बनाएंगे, या तो वो दिखेगा उसके बाद हम नहीं दिखेंगे। तो वैसे भी हम 3 लोग हैं तो आज तो कोई डर नहीं होगा। आज डर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई एक चीज़ है, अगर जैसे हम तीनों में से किसी को भी कोई आहट या कुछ चीज़ सुनाई दे रही है, कुछ चीज़ दिखाई दे रही है ना, तो भाई बोलना बहुत जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बाद में परेशानी हो सकती है भाई। देखो लेपर्ड टेरिटरी है, आवाज़ आना जायज है, लेकिन ये है कि अगर टेंट के ज़्यादा पास है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है भाई फिर। तो कोई नहीं है, शर्ट लगा ले। फिर आई मेरे को आवाज़। दूर से आई है इस किनारे से। सच में यार मैं कसम से बम्बी कैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही। ऐसी आवाज़ दो चीज़ें होती है, एक जंगली उल्लू होता है ना वो, बस हाँ, वो भी बहुत सारी आवाज़ें निकालता है, बहुत सारी आवाज़ें निकालता है, लेकिन वो क्या करता है ना, वो एक एक बार ही आवाज़ निकालता है, मतलब 2 सेकंड में एक बार, 3 सेकंड में हाँ। एक बार ऐसे। जो लेपर्ड होता है ना, अगर वो थोड़ा टाइम आवाज़ करेगा ना, तो वो रोरिंग करता है जब ना, वो कंटिन्यूसली कम से कम 5-6 सेकंड तक तो आवाज़ निकालेगा। तो अगर ऐसा होता तो हम भी सुनते, तो हो सकता है वो उल्लू हो, जंगली उल्लू। कोई नहीं भाई, कॉफ़ी इंजॉय करो, मैं हूँ यहाँ पे। तो भाई कॉफ़ी वगैरह अपनी ख़त्म हो गई है, उसके बाद हमने मुआयना भी कर लिया है इधर उधर जाके, कि हमने कहा राहुल भाई का, राहुल भाई की बात थोड़ा सा सीरियस लेके हमने मुआयना भी कर लिया है, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। हो सकता है जंगली उल्लू हो या ऑल क्लियर हो गया। हिमांशु भाई चावल को वॉश कर रहे हैं अच्छे से, बाकी राहुल भाई चॉपिंग कर रहे हैं, और मैं जो अपना नॉनवेज है फिश, उसको उसका मैरिनेशन बना रहा हूँ। तो सारे मसाले एक एक करके मिला लेते हैं इस पे, थोड़ा सा इसमें गार्लिक पेस्ट, और बाकी पहले हाथ वॉश कर लेता हूँ मैं। पानी देना, इसमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा राहुल। तो इसमें थोड़ा सा अरारोट मिला रहे हैं हम, इससे थोड़ा सा क्रंची फील आएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद मसाले, इसमें जो फिश है ना इसको इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे राहुल भाई ने चॉपिंग कर दी एकदम मस्त, और अपने हिमांशु भाई ने वॉश कर दी है चावल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब जो फिश फ्राई है ना वो हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले बना लेते हैं वेज पुलाव। भाई पनीर तो काटा नहीं आपने, पनीर अभी देख के याद आ रही मुझे, तो कोई टाइम नहीं लगेगा पनीर तो कोई नहीं भाई, तब तक पनीर काटेंगे, क्योंकि सबसे पहले पनीर फ्राई करेंगे ना। तो राहुल भाई पनीर काट रहे हैं, मैं तब तक तेल गरम, ऑयल गरम करता हूँ। ओके
तो हवा की वजह से आप देख सकते हो फ्लेम इधर उधर भाग रही है। राहुल भाई ने पनीर काट दिया, बढ़िया। अब इसमें डालते हैं ऑयल। अब इसमें पानी है थोड़ा सा। तो अपना ऑयल भी गर्म हो गया है यहाँ पे हल्की आंच में। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते पहले। देखो डालते ही ब्राउन होने लग गए भाई। और इसमें साथ के साथ पनीर भी डाल देते हैं। तो पनीर और ये तो अपना फ्राई हो गया है, बाकी अब इसमें पड़ेगा प्याज। अब ये पड़ेगा इसमें शिमला मिर्च। नमक से क्या होगा ना, मेल्ट हो जाएगा ये। साथ में इसमें थोड़ा सा मटर डाल देते हैं। लो भाई अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। पहले डाल देते हैं इसमें हल्दी, जीरा पाउडर और गरम मसाला। इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया मसाला। ऐड कर देते हैं अपना चावल। इसमें अब डाल देते हैं जो पनीर और ये हमने पहले फ्राई कर रखा था ना। मैंने फिर पनीर को ज़्यादा फ्राई किया नहीं क्योंकि ये फटने लग गया था। पुलाव बनने के बाद अब अपना जो फिश है ना इसको फ्राई करते हैं। फाइनली यहाँ पे अपना पुलाव और फिश फ्राई रेडी है। बाकी सॉस मिला लेते हैं थोड़ा सा अपने जो यहाँ पे हमने सैलेड काटा हुआ है ना प्याज, उस पर डाल लेते हैं। तो राहुल भाई डाल रहे हैं बटर आराम से। बहुत सही यार। तो भाई अपना पुलाव भी रेडी है यहाँ पे। एक बर्तन छोटा हो गया था तो इसलिए दोनों बर्तन में बना दिए। इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं किशमिश। बाकी अब कर लेते हैं प्लेटिंग। भाई देखो यार खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही ना भाई। बादाम और काजू, काजू इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं, थोड़ा इसमें भी डाल देता हूँ ना। तो भाई सबसे पहले पुलाव से शुरू करते हैं। तो हिमांशु भाई बताओ यार। अपने पे तो है ही पुलाव अपने पे तो है ही लो। अच्छे से पक रखा है और चटपटा हो रखा है, मज़ा आ रहा भाई। धनिया का जो टेस्ट आ रहा है ऊपर से भाई, ला जाओ। टेस्टी बना है खाना, टेस्टी बना है बहुत, मज़ा आ रहा ना। हिमांशु भाई को सही लगना चाहिए यार, बाकी हमारे पास तो फिश फ्राई है ही। यार अब जो फिश फ्राई है ना अपनी, वो टेस्ट करते हैं राहुल भाई। हाँ कब से बटर डाल के रखा हुआ है। भाई जबरदस्त, मजा आ गया यार। ओए होए होए मस्त मैरिनेट हुई अच्छे से, जबरदस्त ना। हाँ। और क्रिस्पी हुई है एकदम, वही मसाला पूरा अंदर तक जा गया। भाई मुंह में जाते ही ना ऐसे घुल रही है ना भाई। हिमांशु भाई सोच रहे होंगे भाई ये मेरे सामने ये गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। भाई सारे दोस्तों को लेके चलना पड़ता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं।
बस ये है कि भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग नॉनवेज खाते हैं और हमको तो खैर दिक्कत है ही नहीं, है ही नहीं। तो मजा आ रहा, मजा तो इसके बाद आएगा ना जब खाना खा लेंगे, उसके बाद अपने कैंप फायर में बैठेंगे भाई, थोड़ा गिटार विटार बजा के थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, क्योंकि रात तो अभी है 10:30 बजा हुआ है अभी, और 12 बजे से पहले तो सोएंगे नहीं। ओके तो भाई फाइनली खाना हो गया है और तीनों भाइयों ने दबा के खाना पिलाया दबा के खाना खाया है। तो भाई अब है टाइम थोड़ा सा एंजॉय करने का, और यहाँ पे अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और साथ में हम कैंप फायर के भी मजे ले रहे हैं। नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जा चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जा हिस्से मैं तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला, करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बता निभा के। सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों, ओ, 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 ये जहां तुम्ही हो वो जहां तुम्ही हो, इस जमीन से फलक के दरमिया तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में आ, तुम ही हो, तुम ही हो। मजा आ गया यार भाई, मेरा तो गला बैठ गया भाई, इतना मतलब इतना गा लिया हमने, और बाकी और हिमांशु भाई की वॉइस में यार कितने भाई कमेंट पे जरूर यार भाई की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, मतलब मजा ही आ गया। बाकी यार देखो मैं मतलब मैं बिगनर हूँ, गिटार मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया, दोनों बिगनर है यार, ठीक है, दोनों क्या तीनों बिगनर है भाई। तो यार काफी अच्छा लगा। तो भाई अब टाइम आ गया सोने का, क्योंकि यार 12:30 से ज्यादा हो गया टाइम भाई, और अब समझ सकते हो ज्यादा रात को बाहर रहना सेफ नहीं है। अभी तो खैर कैंप फायर जल रही थी और लकड़ियां भाई अपनी पूरी खत्म हो चुकी हैं यहाँ पे। तो राहुल भाई कल सुबह फिर से लकड़ियां ढूंढने जाना पड़ेगा, हाँ कल सुबह फिर से, वरना ऐसा करना पड़ सकता है हमें। तो फटाफट से अपने टेंट में जाते हैं कि मानसी भाई। और भाई ठंडा तो मतलब ना एकदम से खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, क्योंकि काफी आग सेक लिया हमने, लेकिन A1 है भाई अपना आवाज, अपने हिमांशु भाई की आवाज। तो भाई फटाफट से अब चलते हैं टेंट के अंदर, चलो भाई। पास ही है ना, चुपचाप बाहर जाके देखे, बाहर जाके नहीं दिखेगा, अबे नहीं दिखेगा, ये सो गया, ऐसे आवाज नहीं आएगी, थोड़ी देर आवाज सुनते हैं फिर जाएंगे, अचानक जाएंगे ना। अब
नहीं आ रही ना, थोड़ा देर से बंद है भाई, रात के 1:30 बज रहा है। हाँ भाई टेंशन मत लो यार, रात के 1:30 बज रहे हैं और भाई बाहर से लेपर्ड दहाड़ा है, दो बार तो आवाज़ आ गई उसकी, इस बार तो हमने भी क्लियर सुना। पहले हमें लगा यार आवाज़ तो आ रही थी, मैं कह रहा था कब आ रही है। कोई बात नहीं, अब आएगी तो देखेंगे भाई। हाँ नींद आएगी अब मेरे को तो, नहीं आने वाली एक तो आवाज भी डरता है, इधर इसी तरह से आ रही है, बारी लगानी पड़ेगी अलार्म लगा लो एक एक घंटे का। पता है क्या सीन क्या होता है, जब ना कभी कभी हल्का हल्का ना डर तो लगता है भाई, जब लेपर्ड बॉयज ऐसे आते हैं पास से, और ये टेंट तो कुछ भी नहीं है, अभी साथ में है ना तब थोड़ी हंसी मजाक हो रही, अकेले होते डर लगी रहे। भाई जब मैं सोलो आता हूँ सोचो मेरी क्या हालत होगी भाई, बहुत बहुत मुश्किल है। या बाहर देख के आएंगे एक बार, क्या बाहर देखे एक बार भाई, बहुत रिस्की है अभी बाहर देखना। तुम मैं और राहुल भाई अभी बाहर, आवाज आ रही थी है? कोई नहीं तो अंदर हो भाई, भाई 1:30 बज रहा है अभी, और यही कहीं से आवाज आ रही थी, मैं और राहुल भाई बाहर आ गए। कब से आवाज आ रही थी देख लेते हैं, अभी पेड़ में बैठता है भाई वो, राहुल नहीं है यार, राहुल इस साइड है, इधर ना इधर को है ना, आगे जाके कोई फायदा नहीं है, कह तो रहा हूँ भाई दिख तो जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा यार, पेड़ बहुत ज्यादा है ना भाई, तो जो लोग कहते हैं ना नहीं दिखता कुछ नहीं होता वो उनको तो पता, अब पागल है क्या उन लोगों के चक्कर में भाई, हम अपनी जिंदगी की दांव पे डाले, दिख तो जाएगा कुछ नहीं दिखेगा, इतना मत सोच भाई, है तो सही बात 100% है वो, लेकिन भाई ये 2 बजे कौन जाएगा अभी वहाँ, ये तो है टाइम से दूर नहीं जा सकते, वो दूर चला गया यार कहीं, यही नहीं है वो गया नहीं है, वो बैठा है एक जगह पे, तो तब से जो रोरिंग की आवाज आ रही है वो सेम जगह से आ रही है और सेम आवाज है। चल टेंट में वापस चलते भाई, सेफ्टी यही है और कहीं नहीं है, खुल जाए फटाफट से। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, और हम तीनों भाई उठ चुके हैं, बाकी यार यहाँ पे पाला पड़ गया भाई, इतना गीला हो गया ना टेंट अपना, इसका जो रेन कवर है वो भीग चुका है पूरी तरह से, बाकी अपना जो ये टेबल है ना इस पर भी देखो तुम, ओस इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, ठंडा भी हो रहा था यार कल रात, लेकिन जो नींद आई ना राहुल भाई, ठंडा हुआ कैसे ज़्यादा? नहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक था, बाहर के हिसाब से जो टेम्परेचर था ना, अंदर स्लीपिंग बैग वगैरह था और एक कंबल भी लेके आए थे साथ में, तो ठंडा नहीं हुआ। हिमांशु भाई मैं तो बीच पे ही था, हिमांशु भाई तो सेंटर पे सोए थे, इधर से राहुल और इस तरफ से मैं था, तो मतलब और पीछे से गाड़ी भी थी ना, तो उससे भी हवा थोड़ा रुकी, बाकी
मजा आया यार काफी, और नींद काफी अच्छी थी, लेकिन जो 2 बजे गए आसपास भाई अपने हिमांशु भाई सो गए, और मैं और राहुल भाई के घर से भाई कल रात देखे यार मैंने जबकि मना भी किया, राहुल भाई कह रहे कि चलते हैं देखने, और यहीं कहीं आसपास ही था वो, तो राहुल भाई कह रहे चलते हैं लेपर्ड को देख के ही आते हैं आज। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, हिमांशु भाई के लिए हो जाएंगे, हिमांशु भाई फिर टेंट में थे। फिर दूसरा सही भी नहीं लगता यार अपने टेंट से दूर तुम जाओ, हो सकता है वहाँ पे 2 लेपर्ड भी हो, क्योंकि ऐसा कितने बार हो चुका है ना, 2-2, 3-3 लेपर्ड भी साथ में घूमते हैं। खैर अभी मॉर्निंग के 8:30 हो चुके हैं भाई, बहुत लेट उठे हैं हम, और लेट उठने का कारण है ठंडा, कोहरा पड़ा था, कोहरे के बाद जो ये ओस है ना, ये मतलब अपना जो ओस है वो अंदर तक भाई टेंट के अंदर तक आई है, तो इस वजह से हमने कहा कि यार जब तक थोड़ा सा धूप आती है या कुछ साफ़ होता है कोहरा उसके बाद ही उठेंगे। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, तो अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी बनाते हैं और इसके बाद जो भाई अपना रायता फैलाया ना हमने वो उठाएंगे, वो समेटेंगे। तो भाई अब बनाते हैं कॉफ़ी। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, अभी तो टेंट के अंदर तो पता नहीं चल रहा था। तो भाई अब बना रहे हैं हम कॉफ़ी, और राहुल और हिमांशु कॉफ़ी बनाएंगे, तब तक मैं स्लीपिंग बैग वगैरह और जो अंदर का सामान है उसे पैक कर लेता हूँ अच्छे से। बाघ ने मुर्गी पकड़ दी, मुर्गी पकड़ी शायद उसने, जंगली मुर्गी। तो भाई लोग फाइनली अपनी पैकिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं घर को। बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहा हिमांशु भाई? बहुत बढ़िया, मजा आया, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा इस बार आया। और बाकी इंजॉय किया हमने, बाकी लेपर्ड वाला सीन तो हो ही गया था, लेकिन सच बताऊँ तो हमारे टेंट के पास वो आया नहीं फिर, और हमने फिर रात को आवाज़ नहीं सुनी 2 बजे के बाद जब हम एक बार बाहर गए। बाकी ऐसा चलता रहता है यार, क्योंकि ये टेरिटरी लेपर्ड वाली है, तो मैं ये कहूँगा जितने भी अभी बिगनर जा रहे हैं ना कैंपिंग करने के लिए, तो उनसे कहूँगा सबसे पहले तो सेफ एरिया चूज़ करना, जहाँ पे यार थोड़ा सा जैसे झाड़ी वाड़ी ना हो आसपास, क्योंकि झाड़ी वाड़ी अगर आसपास होगी ना तो तेंदुआ तुम पे छुप के हमला कर सकता है। जो लोकेशन हमने देखी है ना ये थोड़ा सा खुली एरिया है, ऐसी जगह चूज़ करना कैंपिंग के लिए। तो बाकी आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बाकी भाई हम लोग सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी भाई 100K हो जाए तो। बाकी शायद इस बार तो 100K हो नहीं पाएंगे इस साल, लेकिन आप लोग कोशिश करना और जितना जुड़ सकते हो उतने जुड़ने का प्रयास करना। बाकी साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है, बिल्कुल भी यहाँ पे कूड़ा नहीं है, आपको पता है जैसे कि हम अपने साथ जो भी लाते हैं अपने साथ ले जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या चाहे वो प्याज वगैरह के छिकली हो, वो भी हम यहाँ पे नहीं फेंकते। तो अब जाते हैं घर की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय। दोनों बैग पीछे डालने पड़ेंगे यार।